न्यूज एजेंसी CNS जो एक मशहूर और क्रेडिबल इदारा यहाँ जम्मू कश्मीर का गुज़श्ता 22 साल से यहाँ काम कर रहा है और इन हालात में काम कर रहा है जबकि यहाँ कन्फ्लिक्ट जोन है और इस कन्फ्लिक्ट जोन में एक सहाफ़ी का काम करना बहुत ही मुश्किल है, चाहे वो किसी नेशनल इदारे से वाबस्ता हो चाहे वो मुकामी रिपोर्टर हो। इसके लिए यहाँ बहुत ही मुश्किल काम करना है क्योंकि आपने हाल ही में देखा है एक हमारे साथी को मार गिराया गया, इसको शहीद किया गया है, सर्रा इसको शहीद किया गया है। यहाँ साहबी ही वो लोग हैं जिनकी कोई जमानत नहीं है जिंदगी की, इसलिए जो गवर्नमेंट ने हमें FIR दर्ज किया है मनानवानी का ये आर्टिकल छापने के लिए, इससे पहले भी गवर्नमेंट ने एक FIR लॉन्च किया था लेकिन हमने इस वक्त चुप किया। जब दूसरी बार हुआ था हमने कहा है कि नहीं, कम से कम हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और ये हुकूमत तक पहुँचा देंगे। हमने क्या कसूर किया इन गवर्नमेंट से हम ये सोचना चाहिए कि ये लोग किन हालात में काम कर रहे हैं, चूँकि यहाँ दो बंदूकों के साए में, चाहे वो गवर्नमेंट का बंदूक हो चाहे वो मिलिटेंटों का बंदूक है, यहाँ दो बंदूकों के साए में साथी काम कर रहा है और इसको पहले अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। इसको पहले अपनी जान की फिक्र है और जब अपनी जान सलामत रहे तो फिर सारा कुछ है। लिहाजा हुकूमत एक जमहूरी इदारा है, इसको चाहिए कि ताकि ऐसा ना हो कि कोई किसी साथी को चाहे वो CNS हो चाहे वो और किसी इदारे से ताल्लुक रखता हो किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस वक्त यहाँ स्टेट में गवर्नर राज लगा हुआ है, क्योंकि हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो पुलिस ने हमारे खिलाफ FIR दर्ज की है, जितने भी FIR हमारे खिलाफ दर्ज हैं उनको वापस लिया जाए, इनको रिवोक किया जाए ताकि हमें आज़ादी के साथ काम करने का मौका मिल जाए और हमें आज़ादी के साथ काम करने दिया जाए। हमारा यही मुतालबा है कि जहाँ जो रियासत का साथी है, जो कम से कम कश्मीर का साथी है, उसको आज़ाद तरीके से उसको उसकी ज़बान को फ्री किया जाए, उसको उसका कलम आज़ाद किया जाए, उसको आज़ादी से लिखने की इजाज़त दी जाए।